वेलकम बैक टू चैनल गाइस। नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्नैपचैट की ट्रिक के बारे में। जो मैं आपको बताऊंगा वो जो ट्रिक है आप अपने एंड्रॉयड और आईएसओ मतलब जो है वो आईफोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं आज आपको स्नैपचैट के बारे में बताऊंगा कि आप अपने स्नैपचैट की जो फोटो है वो ऑटोमेटिकली गैलरी के अंदर कैसे सेव कर सकते हैं। तो आप सीधा चलते हैं अपने स्नैपचैट के अंदर। तो आप देख सकते हैं आप स्नैपचैट आपको क्या करना है। स्नैपचैट के अंदर जाते ही आप एक कोई भी रैंडमली फ़ोटो ले लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेव करना पड़ता है। उसके बाद में जो फ़ोटो है वो आपके स्नैपचैट के अंदर सेव हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फ़ोटो, ये अभी मैंने फ़ोटो ले ली। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपको ये थ्री डॉट देख रहे होंगे। उसके बाद में आपको एक्सपोर्ट करके जो आपने स्नैपचैट के फ़ोटो जो है वो आपको गैलरी के अंदर लेनी पड़ती थी, लेकिन आपको क्या करना है आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। आपको प्रोफाइल के ऊपर जाना है और सेटिंग के अंदर आना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे मेमोरीज के अंदर आना है। आप देखिए यहाँ पे मेमोरीज, और आपको क्या करना है, ये सेव बटन दिख रहा है आपको, आपको ना सेव बटन के यहाँ पे आपका जो मेमोरी के ऊपर क्लिक होगा उसको मेमोरी के ऊपर क्लिक ना करते हुए मेमोरीज एंड कैमरा रोल के ऊपर क्लिक करना है, जिससे कि जो आपके जो फोटो है वो ऑटोमेटिकली गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने वो फ़ोटो जो है वो गैलरी के अंदर सेव नहीं किया था। मैं आपको वो फ़ोटो दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए अभी अभी दो मिनट पहले, एक मिनट पहले मैंने जो फ़ोटो ली थी वो ऑटोमेटिकली मेरे गैलरी के अंदर सेव है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।